आज मैं बना रही हूँ आलू चने की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। अगर आपके पास समय कम है या सब्जियाँ कम हैं तो इस तरीके से आलू और चने से बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। और इसमें हम लहसुन प्याज का यूज भी नहीं करेंगे, बिना लहसुन प्याज का इसको बना के तैयार करेंगे। जब आप व्रत लेते हैं या नवरात्रियाँ होती हैं तो हमें बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसको हमें कुकर में बनाना है। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया, और तेल गरम होने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लिया और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। इनको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूर डालें कसूरी मेथी है तो। अब मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर थे और एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ। और अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर डाला है, और 1 चम्मच नमक डाल दिया। नमक स्वाद अनुसार डालें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और लो फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट हम इस मसाले को भूनेंगे और ये इस तरीके का हो जाएगा। और देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें 1 कप भिगाए हुए चने डाल देंगे। चनों को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था और अच्छे से ये भीगे हैं। और चने डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। तो 2 आलू को मैंने काट के ले लिया इस तरीके से, और इसको भी इसमें डाल लेते हैं कुकर में और अच्छे से इसको मसालों में मिक्स कर लेते हैं। तो आलू चने की क्वांटिटी सेम है, ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे 3 से 4 कप, अपने हिसाब से पानी आप इसमें डाल सकते हैं जितना आपको बनाना है। और ये देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब हम इस प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद और इसे गैस पे रख देंगे पकने के लिए। तो आप इसको मीडियम फ्लेम में 4 से 5 सीटी आने तक का पकने दें, और 4 से 5 सीटी में बहुत ही अच्छी एकदम बढ़िया सी सब्जी बन जाएगी हमारी। 4 से 5 सीटी आ गई हैं, मैंने इसको गैस से उतार लिया है और प्रेशर ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी सब्जी बन के तैयार है ना, एकदम गाढ़ी है और एकदम पतली भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो ये रोटी पूड़ी पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है बिना लहसुन प्याज की। और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है। और हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है, मैं हफ्ते में इसको 2 बार बनाती हूँ। और ये देखिए इसे हम सर्व कर लेते हैं एक कटोरी में, और देखने से पता चल रहा कितनी बढ़िया लगी है, बनी है ये, और बिना लहसुन प्याज की बनी है। और आप इसे किसी भी रोटी पूड़ी पराठे के साथ सर्व करें तो बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बिना लहसुन प्याज की बहुत अच्छी लगती है। तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज आप इसमें यूज कर सकते हैं।